जब मैं क्लास 11th में था और नीट 2019 का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस समय क्या होता है ना कि आपके बायोलॉजी में एक चैप्टर है एनिमल किंगडम करके, ठीक है। इस एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जांपल है जिसको याद करना होता है, बट वो एग्जांपल जो थे मुझे याद ही नहीं होता था, लिटरली मेरे से याद नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसा था ना कि मेरे कोचिंग में, जिस कोचिंग में हम प्रिपरेशन कर रहे थे, उस कोचिंग में जो टीचर थे वो मारते थे, अगर आप याद करके नहीं जा रहे हो कुछ तो वो मारते थे, ठीक है। बट एक दिन दो दिन मार खा लिया, मतलब एक दिन ना मैंने सर से पूछ दिया कि सर मेरे से याद नहीं होता, याद कैसे करें, ठीक है, मतलब मेरे से ये एग्जांपल्स याद ही नहीं हो रहा था, याद हम कैसे करें, ठीक है, हर रोज हम मार खा रहे थे। तो ऐसा था ना कि सर ने कुछ बताया, सर ने बोला कि कैट का स्पेलिंग बताओ, मैंने बोला कैट, CAT कैट। फिर सर ने बोला कि 15 का टेबल बताओ, मैंने सुना दिया। फिर सर ने बोला 16 का टेबल बताओ, मैंने सुना दिया। फिर सर ने बोला एप्पल का स्पेलिंग बताओ। ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल सर ने पूछने लगा कि जो मैंने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो फिर सर ने बोला क्या ये सारी चीज़ तुम्हें याद है ना, तुम्हें वीक का कितने भी वीक में कितने डेज होते हैं, मंथ में कौन कौन से मंथ होते हैं, ये सारी चीज़ तो तुम्हें याद है ना। मैंने बोला हाँ ये तो याद है। सर ने बोला कैसे याद है, मैंने बोला कि यार सर ये सब चीज़ों को मैंने बचपन में बार बार पढ़ा था इसलिए याद है, और लिखे भी थे बहुत बार इसलिए याद है, ठीक है। और एक और चीज़ था कि उस समय टीचर लोग मारते थे इसलिए याद है। तो सर ने बोला कि देखो तुम उस समय क्या कर रहे थे कि जो चीज़ तुम्हें दिया जा रहा था टास्क, वो तुम चाहे डर से हो या फिर कुछ भी हो, तुम सीरियसली उसको पढ़ते थे, बार बार लिखते थे याद करने के लिए, ठीक है। चाहे डर से हो, मार के डर से हो, जो भी डर से हो, लिखते थे इसलिए याद हुआ, ठीक है। तुम क्यों नहीं वो चीज़ को अभी अप्लाई कर रहे हो? और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे उसी दिन मिल गया था कि चीज़ों को याद कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यार ये जो वीडियो है ये लिटरली आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके मन में ये डाउट होता है कि भैया कैसे हम याद करें। यही तरीका नहीं, मैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि कैसे आप चीज़ों को याद करोगे, ठीक है। वीडियो को आराम से देखना। यार देखो ये जो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले मुझे कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए आपसे कि यार आप इस वीडियो को तभी देखना जब आप सीरियसली स्टडी करोगे, ठीक है। आप अपने गोल को लेके सीरियस हो, आप अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस हो, आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो कि लाइफ में कुछ करना है और कुछ करने के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है, तभी ये वीडियो को पूरा देखना, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर दो, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करोगे आगे, ठीक है, आप दूसरा काम कर लो उसके बदले, फाइन, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मैं कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, हाँ, इस वीडियो के लास्ट में एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक चैलेंज मैं दूंगा, ठीक है, 5 days का चैलेंज दूंगा जिसको यूज करके अपना रिकॉल करने का जो टेंडेंसी होता है, रिकॉल करने का पावर, रिकॉलिंग पावर, वो आप बढ़ा लोगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट से देख लेना, और हाँ, ये चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको हर रोज बताना होगा 5 days तक। मैं बताता हूँ आगे क्या कैसे करना, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि यार देखो मैं तुम्हें अभी से लेके 7 techniques दे रहा हूँ, जिस 7 techniques को यूज़ करके आप अपना मेमोरी पावर बढ़ा तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ याद करने का तरीका कुछ बता रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। ये सारा ट्रिक्स जो आगे मैं बताऊंगा वो तभी काम करेगा जब आप सीरियस स्टडी कर रहे हो। भैया ये सीरियस स्टडी कैसे करेंगे, ये चीज़ बात करते हैं, ठीक है। जब आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि यार ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसे मुझे याद भी करना है, ऐसे नहीं कि सिंपली पढ़ रहा हूँ। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि जब पढ़ रहे होते हैं सिंपली पढ़ रहे होते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, पढ़ रहे होते बुक या फिर लेक्चर देख रहे होते, ध्यान कहीं और रहता है। ये चीज़ अगर आप करते हो तो शायद आपका ये सारा आगे ट्रिक्स काम नहीं करेगा। मतलब जब भी आप पढ़ रहे होते हो एक चीज़ दिमाग में रखना कि ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसे मुझे मेमोराइज भी करनी है। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आपका एग्जाम होता है, मान लो कल एग्जाम है या फिर परसों एग्जाम है, ठीक है, आपको कुछ दोस्त होते हैं जो आपको उस रात एग्जाम से एक रात पहले या फिर एक दिन पहले कुछ पढ़ा रहे होते हैं, आप सीरियसली उसको पढ़ रहे होते हैं और वो चीज़ आपको एग्जाम में याद रहता है एक दिन जो पहले आप पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि यार उस समय आप सीरियसली पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो वही चीज़ों को अभी भी अप्लाई करना है कि यार भले एग्जाम बहुत दिन के बाद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सीरियस होकर पढ़ना है ताकि मुझे एग्जाम के समय में याद रहे, फाइन। आप टेस्ट को टारगेट ले सकते हो, इस टेस्ट में मुझे जो सिलेबस आ रहा है उसको याद रखना, ये तरीका आप अपना सकते हो, फाइन। तो ये सीरियस स्टडी आपको करना है। अब देखो यार, प्रॉपर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पता है क्यों? क्योंकि जब आपको उस टॉपिक के बारे में सही से नॉलेज होगा ही नहीं, आप कैसे उसको याद रखोगे? जब तक आपको उस टॉपिक में कंफ्यूजन रहेगा, आप कैसे उस चीज को याद रखोगे? तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो उसमें कोई भी डाउट आता है, या फिर कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप दोस्त से पूछ लो, या फिर अपने टीचर से पूछ लो, या फिर उसके बारे में गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, कि आप अपना डाउट को क्लियर रखो, ठीक है। या तो आप गूगल को यूज कर सकते हो, बहुत सारा मैंने स्टडीज किया है गूगल से, लिटरली बता रहा हूं, नीट में भी यार, नीट में भी कुछ बायोलॉजी के मालूम कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आ रहा, आप उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे सर्च करो, आप उस कॉन्सेप्ट को गूगल पे सर्च करो। अब वहां पे जब आप पढ़ रहे होगे ना, फोन से आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे होगे ना, फोन से, लिटरली बता रहा हूं, मैं अभी भी MBBS में विकिपीडिया से पढ़ता हूं बहुत सारी चीज, क्योंकि वो हेल्प करता है, आप कॉन्सेंट्रेट होकर वो पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो डाउट कुछ भी नहीं रखना, और जो भी डाउट हो उसको गूगल से क्लियर करो, ठीक है, फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, हर लाइन को समझो, हर कॉन्सेप्ट को समझो, ये ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो यार, जब आप समझने की कोशिश करते हो ना, उसी समय आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो, क्योंकि पढ़ाई में जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे वो चीज़ याद रहने का, और जब अगर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो तो यार जाहिर सी बात है आपका डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा उस टॉपिक में, ठीक है। अब देखो, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ना इस वीडियो का, दैट इज पावर ऑफ रिकॉलिंग, पावर ऑफ रिकॉलिंग।
अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। और इसका कुछ पार्ट है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो लास्ट में जो मैंने बोला 5 डेज का चैलेंज, उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो सडन रिकॉल है ना भैया, सडन रिकॉल कैसे करेंगे, ध्यान सुना। जब भी आप कोई चैप्टर को पढ़ लियो, ठीक है, आज आपने पढ़ लिया, अब क्या करना आपको, अगले एक घंटा के बाद कभी भी उस चैप्टर के बारे में रिकॉल करना। जैसे मान लो आपने बायोलॉजी का कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में आपको उस चैप्टर में 5-6 फॉर्मूला थे, सॉरी उस चैप्टर में आपको 5-6 एग्जांपल थे। अब क्या करोगे, अब सडनली उस 5-6 एग्जांपल को रिकॉल करोगे, ठीक है, एक घंटा के बाद। क्या उस वो 5-6 एग्जांपल क्या था वो आएगा उस समय आपके दिमाग। ये एक्टिव रिकॉलिंग होता है, सडन आप किसी चीज को रिकॉल करते हो, ठीक है। और भी तरीका है कि जब आप सोने जा रहे हो ना, रात में सोने से पहले देखो ये ट्रिक सारे ट्रिक तभी काम करेंगे जब आप अपने गोल को लेकर सीरियस हो, ठीक है। रात में आप सोने जा रहे हो, ठीक है, सोने गए, उससे पहले एक बार सोच लो कि आपने उस चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज़ याद करने वाले थे, या फिर आप उस चैप्टर को समराइज कर लो सोने से पहले। ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स यू नो बिफोर रिवाइजिंग एनी चैप्टर। पावर ऑफ रिकॉलिंग में बता रहा हूँ, पावर ऑफ रिकॉलिंग। आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकॉल कर लो, पहले अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है तो दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लो कि आपको क्या क्या याद है। दिस इज द पावर ऑफ रिकॉलिंग, ठीक है। आप उस समय जब याद कर रहे होगे ना, तो जो चीज़ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिसमें इन्फॉर्मेशन रहता है, वो कुछ देर के बाद धीरे धीरे डिस्टेंस आ जाता है, उसमें दूरी आ जाती है, ठीक है। जैसे ही आप उसको रिकॉल करते हो तो उसके बीच में फिर से कनेक्शन आता है, तो वो चीज़ें ना, वो जो बॉन्डिंग होती है ना, बार बार बनती है ना, तो वो एक परमानेंट मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है। एक और चीज़ बता रहा हूँ जो आपको अपनाना है, ठीक है, वो ये कि यार जब आप कोई चैप्टर पढ़ लिए एक और चीज़ आप कर सकते हो कि उसी समय आप रिकॉल करोगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। चैप्टर पढ़ लिए, हो सकता है आपने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे, हो सकता है आपको लगा हो कि ये तो मैंने पढ़ लिया बट याद ना होगा। आपको क्या करना, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ लिया, एक रफ कॉपी रखना, हमेशा एक रफ कॉपी रखना। चैप्टर पढ़ने के बाद आप हो सके तो पॉसिबल हो, टाइम टेकिंग है, आप उस चैप्टर का जस्ट समरी लिख सकते हो, आपने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। टाइम तो लगेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने जो पढ़ा उस चैप्टर में आप शॉर्ट में यार जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। आप अगर आप लिखते हो ना, समरी लिखते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा समय तक वो याद रहता है। या तो आप लिख भी सकते हो या फिर आप रिकॉल भी कर सकते हो, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा समय तक याद रहेगा। लिटरली ये मैंने खुद किया यार, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने 6-7 कॉपी मैंने भरा है लास्ट के 3 मंथ में। जब चीज़ें याद करना था मुझे और मेरे से याद नहीं होता था ना, तो मैंने 6-7 कॉपी भर दिया था, ठीक है। और तब जाके मुझे बायोलॉजी के सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं एकदम टंग पे आ गए थे। इनऑर्गेनिक जितने भी वो जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना, जितने भी रिएक्शन है ना, जो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है ना, वो सारे XF का जितना भी होता है ना, सारे मेरे टंग पे आ चुके थे। सारे फॉर्मूला फिजिक्स का, सारे फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला टंग पे आ गए थे। पता है क्यों? क्योंकि एक ही तरीका जो मैंने यूज किया था वो ये था कि मैंने लिखा था, 6-7 कॉपी मैंने भर दिया था, 12-13-25 कलम मैंने खत्म किए थे लास्ट के 3 मंथ में। तो वो तो करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आप कर सकते हो, फाइन। तो यार ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, दैट इज मैजिक ऑफ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग कैसे करते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो यार, तो पढ़ते समय अगर आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट होता है जब आप उसी समय आप चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हो, ठीक है। अब ये एक्टिव लर्निंग पहले होता क्या, आप समझो कि एक्टिव लर्निंग इज अ मेथड इन विच यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग कॉन्सेप्ट आइदर इन क्लास और आइदर इन वीडियो लेक्चर। आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो उस लर्निंग प्रोसेस में, आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो। पता है कैसे होगा ये, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे क्लास में आप होते हो ना, क्लास में आप होते हो, टीचर पढ़ा रहे होते हो, अगर आप बकवास कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप टीचर को सुन रहे हो तो हाँ, 50% चीज़ तो आपको आ जाएगा। लेकिन यार अगर आप टीचर को सुन भी रहे हो और साथ साथ खुद से दिमाग लगा भी रहे हो कि टीचर क्या बोल रहे हैं, इसमें और भी क्या क्या नया चीज़ ऐड हो सकता है, टीचर जो बोल रहे हैं आप लिख भी रहे हो, नोट्स बना भी रहे हो, टीचर जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो, चाहे आपसे बने या ना बने, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व कर रहे हो, आप खुद से दिमाग लगा रहे हो उस लेक्चर में। टीचर जो पढ़ा रहे हैं आप ये भी सोच रहे हो कि आगे और क्या पढ़ाएंगे। दिस इज द एक्टिव वे जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने लर्निंग प्रोसेस में, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग आपको करना है। और भी तरीका मैं आगे बता रहा हूँ, देखो कैसे होगा। जब आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जब आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो या फिर कोई बुक आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, आपको करना क्या ना, आपको थिंक करना है यार, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर, उस पर आपको थिंक करना है, ठीक है। सोचना है, क्या सोचोगे उस टॉपिक के बारे में, सोचोगे क्या आपने पहले भी पढ़ा था, क्या आपने उस टॉपिक के बारे में पहले भी पढ़ा था, या फिर और क्या पढ़ा सकते हैं, या फिर जो सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। जज नहीं करना, थिंक करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना वहाँ पे रखना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं बोल रहा हूँ रखने, जब टॉपिक के बारे में सोचते हो ना, सर जो पढ़ा रहे हो वो टॉपिक के बारे में सोचते हो ना, तो आपका माइंड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक के बारे में सोचते रहना, ठीक है। आप अगर यार पढ़ लिए, ठीक है, टीचर्स ने पढ़ा दिया, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब उसके साथ मस्ती नहीं करना, फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्टर्ब नहीं करना, आप उससे डिस्कस करो कि यार तुमने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। डिस्कशन इज द वे जिससे एक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। और एक और चीज़, मान लो आपने क्लास में पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब जब घर पे आप जाते हो, आप NCERT पढ़ते हो, आप क्वेश्चन बनाते हो, आप कुछ और नया चीज़ सीखते हो सकता है आप गूगल पे जाओगे, कुछ और सर्च करोगे, तो उस टॉपिक के बारे में अगर आपको लगता है कि नॉलेज थोड़ा कम है, इन्वेस्टिगेट करो और खोजो कि और क्या क्या इसमें पढ़ सकते हैं और क्या क्या नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। ज़्यादा बाहर नहीं जाना, आपका जो सिलेबस है ना उस सिलेबस में आपको रहना,
बट थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो। ये एक एक्टिव लर्निंग का पार्ट है जिसको यूज करके आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हो। और फाइनली आपको क्या करना है, एक निचोड़ निकालना, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ लिया, इतने सारे मैंने क्वेश्चन कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब मुझे इसमें से क्या क्या चीज़ें याद रखना है, ठीक है। आप खुद का एक कॉन्सेप्ट बनाओ जिसको आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे, ठीक है, कि इन सारे चीज़ों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये था जिसको हमें याद रखना है। ये जो प्रोसेस से आप गुजरे हो ना, ये प्रोसेस एक्टिव लर्निंग कहलाता है, जिसको यूज करके आप किसी भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हो, क्योंकि आपने उस टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन किया, जस्ट रटा नहीं है, नॉलेज गेन किया। समझ में आया मेरी बात, ठीक है, वीडियो बोरिंग तो नहीं लग रही है ना, बहुत कुछ सीख रहे हो आप, पता है तुम्हें। अब देखो एक और चीज बता रहा हूँ, दैट इज रिलेटिव स्टडी, ठीक है, रिलेटिव स्टडी। जब आप पढ़ रहे हो तो ना, मान लो आप आपका कुछ 11th का एनिमल किंगडम चल रहा है, ठीक है, ये एनिमल किंगडम आपने 9th में भी पढ़ा था, आप रिलेट कर सकते हो कि यार एनिमल किंगडम मैंने 9th में पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर को रिलेट कर सकते हो, जैसे आप रोटेशन पढ़ रहे हो तो रोटेशन को आप रिलेट करो सेंटर ऑफ मास से, काइनेमेटिक्स से, ये सारे मोशन से, तो ये जो चीज़ें ना आप रिलेटिव स्टडी करते हो। जब आप रिलेटिव स्टडी करते हो तो यहाँ भी आपका दिमाग प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आप कोई चीज़ को जब रिलेट कर रहे होते ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में जब ये जो बॉन्डिंग बनाते हैं, न्यूरॉन्स समझ में आता है ना, न्यूरॉन्स जब आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं ना, उस समय चीज़ें याद रहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। तो ये चीज़ आपको करना है, रिलेटिव स्टडी। समझ में आ गया रिलेटिव स्टडी क्या होता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, ओल्ड चैप्टर को आप नए चैप्टर के साथ रिलेट कर सकते हो, फाइन, ओल्ड कॉन्सेप्ट को आप नए कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है यार, जैसे आपने 12th में आ रहे हो, ठीक है, 12th में आए, 11th में आपने पढ़ रखा था कोई चैप्टर को, आप 12th में आए हो, तो 12th में आने के बाद भी आप 11th की चीज़ जब रिवाइज करते हो तो आप रिलेट करो ना कि आपने पहले भी पढ़ा था, आपको क्या याद है वहां से, रिलेट करो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ट्राई टू बी जिद्दी। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिद्दी बनो। मैं क्या करता, मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ 5-6 एग्जांपल्स याद करना है, ठीक है, अब याद नहीं हो रहा, मैं क्या करता था, अब मुझे याद ही करना है, कैसे भी अब मुझे आज याद करना है। अब इसके पीछे जब आप कोई चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, कैसे मुझे इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक याद कर लेना है, कैसे भी ये 5 रिएक्शन मुझे याद कर लेना है, कैसे भी ये फॉर्मूला मुझे याद कर लेना है, अब कैसे भी जब आप बोलते हो ना कैसे भी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है यार, एक ही सॉल्यूशन है, लिख के याद करो, एक ही सॉल्यूशन है, बार बार पढ़ो, एक ही सॉल्यूशन है, डिस्कस करो, याद हो जाएगा। जिद्दी बनोगे ना तो खुद याद हो जाएगा, हल्के में लोगों चीज़ों को तो याद नहीं होगा, ठीक है, जिद्दी बनो, याद हो जाएगा। मैं क्या करता था, मैं बता रहा हूँ, एक पेज लिया, उस पेज में 5 जो भी एग्जांपल्स याद करें, जो भी डेट याद, जो भी एग्जांपल याद करें, जो भी फॉर्मूला याद करें, उसको लिख लिया, ठीक है। अब मुझे कैसे भी आधा घंटा में याद कर लेना, जब मैं खाना खाने जाता था, ठीक है, मैस में, तो उस समय उसको याद कर लेता था, उस समय उसको बार बार देखता था, याद कर लेता था, ठीक है। ये प्रोसेस आप अपना सकते हो, फाइन। अब देखो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट टेक्निक है जो मैं लिटरली आपको सजेस्ट करूंगा, कि आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो किसी एग्जाम को लेके, आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, तो आपको थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा। ये मैं खुद अपनाया हूँ, थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा। क्या करना है बता रहा हूँ, जब आप कोई चीज़ को याद कर रहे हो, ठीक है, याद क्या करते हैं, एग्जांपल्स वगैरह याद करते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, जैसे 12th के 11th के बहुत सारे चैप्टर्स में लेंदी लेंदी फॉर्मूला, यही सब याद करते हैं ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। आपको करना क्या ना, दो चार छोटा छोटा डायरी बना लो, अगर है तो 2-4 छोटा छोटा डायरी बना लो, जिस डायरी में आप वो सारे एग्जांपल्स को लिखोगे जो आपको याद करना, ठीक है। अब करना क्या है, वो शॉर्ट डायरी में या फिर शॉर्ट पॉकेट नोट्स हो या फिर मेमोरी कॉपी बना सकते हो आप, उसमें वो सारे एग्जांपल्स वगैरह को लिखोगे। आप कभी भी जा रहे हो, कहीं खाने जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, या फिर कोई चैप्टर आपने खत्म किया, आप थोड़ा सा बोर हुए हैं, तो आप उस समय, या फिर एक और, जब आप बाथरूम में होते हो ना, उस समय भी आप रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। जब आप लिटरली 10 मिनट के लिए शांत होते हो ना, उस समय आप रिकॉल कर सकते हो, वो पॉकेट नोट्स निकालो, पटापट पलटो, 2-4 पेज 3-4 पेज पलटो, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रश कर रहे हो उस समय देख लो, खा रहे हो उस समय देख लो, ये तभी आ पाएगा ना, जब आपके पास वो जो ड्रीम है ना, उस ड्रीम को लेकर आपके अंदर आग होगा, होगा तभी ये सब चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। और यार अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक रुके हो ना, तो शायद आपके अंदर आग है सीखने की, और अगर आपके अंदर सीखने की आग होती है ना, तो आप कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से याद भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो। अब लास्ट में तुम्हें मैं एक ट्रिक देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, पहले उस चैलेंज को कंप्लीट करना, उसके बाद तुम्हारे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगी, दैट इज रिकॉलिंग करने की। मैं 5 डेज का तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, अब इस चैलेंज को करना क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुना, जब भी आप सोने जा रहे हो, ठीक है, तो सोने से पहले आपको अपने ऊपर, अपने खुद को डेवलप करने के लिए, खुद के स्किल को डेवलप करने के लिए, एक टैलेंट गेन करने के लिए, दैट इज रिकॉलिंग पावर, जो आपको एग्जाम के समय में, जो आपको मॉक टेस्ट के समय में जरूरत पड़ेगा, वो चीज़ को डेवलप करना है। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुना, जब आप सोने जा रहे हो ना, उस समय आपको 20 मिनट लेना है, फर्स्ट डे आपको 20 मिनट लगेगा, आपने पूरे दिन में क्या क्या किया है, सुबह से लेके पूरे रात तक, शाम तक आपने क्या क्या किया है, उसका एक समरी आपको रिकॉल करना है। आप यहाँ गए थे, आप सुबह उठे, आपने उठने के बाद क्या किया, ऐसे किया, आपने कौन सब्जेक्ट पहले पढ़ा, इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा था, क्या सीखा था, उसके बाद क्या पढ़ा था, कहीं कहीं घूमने गया, कुछ खाया था, इस इवनिंग में क्या किया, मम्मी के पास गए, उससे मिले, ये जितने भी काम आप पूरे दिन में करते हो ना, नाइट में सोने से पहले 20 मिनट लगेगा फर्स्ट डे में, आप उसको रिकॉल करना। फिर नेक्स्ट डे हो सकता है वो रिकॉलिंग 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, फिर हो सकता है नेक्स्ट डे में वो रिकॉलिंग 10 मिनट में खत्म हो जाए, 10 मिनट में आप पूरे दिन रिकॉल कर लोगे, फिर नेक्स्ट डे हो सकता है थोड़ा सा और कम होगा।
इससे क्या होगा ना पता है, आपके अंदर ना एक पावर आ जाएगी, दैट इज रिकॉलिंग पावर, और आप चीजों को रिकॉल कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के समय में, ये चीज जब आप नीट का पेपर दे रहे होगे, जब आप आईआईटी का पेपर दे रहे होगे, उस समय आपको फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे होंगे, उस समय वो चीज हेल्प करेगा। अगर आपने रिकॉलिंग पावर बूस्ट कर चुका है अपना, तो तुरंत विद इन अ सेकंड चीजें याद आएगी अगर आपने पढ़ रखा है। 5 डेज का चैलेंज है, 5 डेज करना है। स्टार्टिंग में एक दिन तुम्हें लगेगा यार फालतू चीज है, 2 दिन लगेगा फालतू चीज, छोड़ देते हैं, बस 5 दिन है रिकॉल करना, बस कुछ और रिकॉल नहीं। मैं सब्जेक्ट रिकॉल करने को नहीं बोला, आपने पूरा दिन में क्या किया बस वो रिकॉल करना। एक गजब लेवल का रिकॉलिंग पावर आपके अंदर डेवलप होगी, यस होगी, और करोगे तुम, ठीक है। 5 दिन के बाद मुझे कमेंट्स में आके बताना कि भैया मैंने किया था और मुझे ये डेवलपमेंट दिखी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको बहुत सारे टेक्निक्स सीखने को मिला इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे हमें ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए यार कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय। ट्रिक्स जो मैंने बताया ना उसको यूज करना, फाइन। कोई एक ट्रिक पे अच्छा कमांड बना लो, काफी ज्यादा हेल्प करेगा।